लूट का शिकार बनाती थी। आरोपी महिला की गिरफ्तारी के बाद लुटेरी दुल्हन के कई और मामले भी सामने आए हैं, जो शादी के बाद घर से गहने आदि पार कर रफू चक्कर हो जाती है। एक महिला जो दुल्हन बनने का करती थी नाटक, शादी और सात फेरों का रचाती थी ढोंग, फिर चपत लगाकर हो जाती थी रफू चक्कर। अलवर की तिजारा पुलिस ने एक ऐसी ही फेक दुल्हन को गिरफ्तार किया है, जो पहले तो लोगों को अपने जाल में फंसाती, फिर उनके साथ शादी रचाती और मौका देखकर रुपए और गहने लेकर फरार हो जाती। पुलिस ने लुटेरी दुल्हन के शिकार रमेश की शिकायत पर ममता नाम की महिला को गिरफ्तार किया। रमेश से इस गिरोह के लोगों ने महिला का सीमा नाम बताकर शादी कराई थी और शादी के नाम पर पैसे भी ऐंठे थे, लेकिन शादी के पांच दिन के बाद ही ये लुटेरी दुल्हन रमेश को नशीला पदार्थ सुंघाकर पैसे और गहने लूटकर फरार हो गई। यूपी के कुछ लोगों ने एक गिरोह बनाकर मेरी शादी करवाई थी और उसके पश्चात जो दुल्हन थी वो मेरे घर से सामान और जेवरात वगैरह लेकर और चली गई। और बाद में अनुसंधान में ये भी जानकारी में आया कि उसी महिला के द्वारा बाद में दोबारा फिर भरतपुर में किसी नए व्यक्ति के साथ में शादी कर ली गई। उस प्रकरण में वो महिला गिरफ्तार हुई है, ठीक है, उसी के संदर्भ में उसको पुनः थाना या मुकदमा में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि सीमा का असली नाम तो ममता है, शादी के लिए वो अपना नाम बदलती। इस पूरे खेल में ममता का पूरा गैंग भी उसका साथ देता। राजेंद्र की शिकायत पर जब पुलिस ने कार्रवाई की तो पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया। पुलिस को अब इस गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश है। जुगल किशोर गांधी, जी मीडिया, अलवर।